नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। ये नजर लेते हैं आज की इस खास खबर पर। यह खबर है कि जिला अस्पताल में एक और जहां 5 मंजिल की अस्पताल बन रहा है और जिसको लेकर शहर के और कई लोगों की उम्मीदें लगी हुई हैं कि यहां पर सब सुविधा युक्त ये अस्पताल बनेगा। लेकिन उससे पहले ही कुछ अस्पताल की तस्वीरें आप देखें कि यहां पर जिला अस्पताल में लोग निःशुल्क रूप से बच्चों को टीकाकरण के लिए यहां पर आते हैं और यहां पर पोलियो की दवा पिलाने को लेकर, लेकिन यहाँ पर उनको भगा दिया जाता है और जिला अस्पताल में उन्हें पोलियो नहीं मिल पाती है, ना ही टीकाकरण। जब बच्चे को पोलियो पिलाने को लेकर जिला अस्पताल में लाया जाता है और टीकाकरण को लेकर, तो यहाँ मालूम चलता है कि पोलियो की दवा नहीं है और ना ही इंजेक्शन। पोलियो कोई दवा पिलाने आए और उसका इंजेक्शन लगवाने आए तो ये घर पे है नहीं है 1 महीने। कितने माह का बच्चा? 1.5 महीने का। तो फिर क्या हुआ, आंगनबाड़ी में गए? आंगनबाड़ी अस्पताल जाओ, वहाँ पर लगेगा। 2 महीने फिर अस्पताल से आए, फिर यहाँ पर मना कर दिया, यहाँ आएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो घर जाओ, भगा दिया। इंजेक्शन 1.5 महीने का? 1.5 महीना का कौन लगाओ है अब? क्यों है नहीं है काती? फिर बाहर जाएंगे? बाहर जाए भी हो तो बाहर तो महंगा मिलता है, लेकिन करें जब बाहर तो क्या मानती है, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? काम में लगता है। खबर दिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा खबरों के साथ।